अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बोरा बंडा मधुरा नगर में रहता हूँ। ये हमारे मकानदार की नूडल्स की बंडी की होटल है, वहाँ पर जो है सो उन्होंने बुलाए तो ऐसा मशीन लेके जाना है भाई बोल के बुलाए तो आया था मैं। आके वो मशीन लेके गया, मशीन जो है सो गाड़ी में रखने के बाद जो है सो फिर बाद में डोर खोलो बोल के उनका काम वाला ऐसा उठा के मशीन को पटक दिया। कई को ऐसा पटके भाई इतना दब गया ना अंदर बोल के बोले तो, अरे जा रे जा पटके तो क्या हुआ, तेरी गाड़ी सही नहीं है वो नहीं है बोलता हूँ, जान दो मकानदार बोले ना बोल के मैं खामोश हो गया। मकानदार की सूरत देख के मशीन लेके चले गया, जाके मशीन जो है तो काम बनती वहाँ पर डाल दिया। दूसरे दिन फ़ोन करे तो फिर वो मशीन लिया, मशीन ले लेके लेके आके भाई उतार लो बोल के बोला, नहीं मैं तेरी गाड़ी को हाथ नहीं लगाता हूँ, वो दब गया ये दब गया बोले तो, मैं बोला अरे तुरे नक्को बोलो भाई, अरे तुरे कई के वास्ते बोल रहे तुम बोल के बोला उनको, तो नहीं मैं तेरी गाड़ी को हाथ लगाया तो दब गया कर गया बोल के बोलता तू, इसलिए मैं नहीं निकालता हूँ बोले तो, मैं बोला अरे तुरे नक्को बोलो, तुम्हारा मकानदार जो है ना उन्होंने आके उतार लेते, तुम्हारे ओनर कौन है उन्हें उतार लेते, तुम अरे तुरे नक्को बोलो बोल ऐसा हाथ में से कड़ा निकाल के सिर पे मारा तो मेरे को सिर यहाँ पर फट गया, तीन टाके लग गए। और उन्होंने मकानदार जो है सो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, एक बार पूछे नहीं मेरे को क्या एजाज तुम्हारे को क्या हुआ कैसा हुआ बोल के एक बार नहीं पूछे मेरे को, उनको सब मालूम है। उल्टा पुलिस वालों को आके झूठा बयान दे रहे के नहीं इन्होंने जो है सो गिर गए तो मार लग गया बोल के बोल रहे। और वो जो मार है दो जने में से एक जने रुबाब से काम कर रहा है वहाँ पर बैठ के, और दूसरे जने को जो है सो लगा छुपा दिए, छुपा दे के क्या बोल रहे, नहीं साहब भाग गया उन्हें हमारे को भी पैसे देना है, भाग गया उन्हें नहीं है बोल के बोल रहे। फिर मेरे को बत पीछे जो है सो तू कर ले केस कर ले क्या करता कर ले, मैं एक फ़ोन करके तेरे को घर पे से उठाने लगा देता हूँ बोल के बोल रहे। मैं जो है सो गाड़ी चलाता हूँ साहब, ट्राली ऑटो सीलिंग में गाड़ी चलाता हूँ, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, दो तीन महीने पहले अम्मी का इंतकाल हुआ हमारे, कोई भी नहीं है मेरे को देखने वाले, यहाँ मार लगे खुद खुदा ना खासा अगर मर गया तो मैं कौन देखते थे साहब। पुलिस स्टेशन को गए तो जो है सो कंप्लेंट एस आर नगर पी एस है आउटपोस्ट को गया तो एस आर नगर पी एस को भी जाए कंप्लेंट लिखा के, वहाँ गए तो साहब ने थे दूसरे दिन आओ बोले तो दूसरे दिन गया। पुलिस वाले जो है सो ना देखो भाई अब केस करे तो जो है सो कुछ भी नहीं आता, आज केस करे तो एक दिन अंदर रहता, दूसरे दिन जो है सो उन्हें आ जाता कोर्ट में फाइन बन के आ जाता, केस ख़त्म हो जाता, वो लिया था तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो क्या खर्चा आया वो ले लो और जो है सो चले जाओ, नहीं तो ये नुकसान हो जाता पैसे भी नहीं मिलते, फिर उन्हें दूसरे दिन बाहर आ जाता, क्या फ़ायदा है केस करके बोल रहे। मेरे को इंसाफ होना तेलंगाना पुलिस कमिश्नर से, इंसाफ होना मेरे DCP साहब ACP साहब जो भी है तेलंगाना के जिम्मेदार KCR साहब से भी गुजारिश है मेरी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं थे आ रहे जा रहे तो ये बोल रहे मेरे को, पहले तो कंप्लेंट लिखते लिखते बोले साहब ने थे बोले, फिर साहब आए के बाद जो है सो कंप्लेंट लिख ली है, पहले दिन ही लिख लिए कंप्लेंट, FIR नहीं कर रहे थे तो मैं बोला FIR करो साहब, बोले तो क्या FIR करना उन्हें नेपाल का है उन्हें भाग गया तो नेपाल को जाके पकड़ के लाना क्या बोल के बोल रहे। तो मैं बोला बात वैसी नहीं है साहब, इन लोगों छुपाए ना मकान ओनर छुपाए, उनको पकड़े तो उन्हें खुद आ जाता ना बोल के बोले तो, अब वो कौन कर लेते बैठते वैसा नहीं रहता, इन्हों तो नहीं मारे ना वो ये बोल के बोल रहे। और इन्हों जो है सो वो मकानदार जो है सो आके खुला बोल रहे नहीं साहब ढक ले तो गिर गए बोल के झूठा बयान दे रहे। तो मैं पुलिस वालों को बोला नहीं साहब इन्हों गलत बोल रहे थे खोले तो कहीं कुछ झूठ बोल रहे बोल के एक बार डराए उनको बस। और उसके बाद से जो है सो केस में कुछ भी दम नहीं है, FIR नहीं कर रहे मेरी, FIR करे तो भी एक दिन में आ जाता हूँ बोल रहे। मैं तीन दिन से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ साहब, मेरे को जो है सो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मैं काम धंधा छोड़ दिया, मेरे को शुगर है BP है, शुगर मेरे को 300 चिल्लर शुगर है, मैं मेरी परेशानी में हूँ तीन दिन से। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे शौहर है, हमारे ओनर है मकानदार, उनके मशीन डालने गए थे उन वहाँ पर तो बच्चा उनका काम करने की जगह मारे, तीन टाके पड़ गए, हमको आगे पीछे कोई नहीं है देखने वाले, और केस करे तो दिए अब गालियाँ दिए सो बफा उठा रहे, और हमको बदनाम कर रहे कि मेरे शौहर लड़ लेते फिरते बोल के। आप पूछ सकते कहीं भी ऐसा गली में आजू बाजू वालों को, हम लड़ते नहीं, हम शरीफ रहने वाले हैं, लड़ते हुए बोल रहे मेरे शौहर लड़ लेते फिरते, काम घर से काम जाते हो और तीन टाके पड़ गए उनको मारे करे, ऐसा खून कितना कि चले गया, हम कोई नहीं है पूछने वाले आगे पीछे, मेरे दो मासूम बच्चे हैं, मेरे शौहर को तीन टाके पड़ गए, शुगर है उनको, कभी भी शुगर बढ़े भी रहती उनको 300 चिल्लर के ऊपर ही जाते रहती शुगर, अब वो तीन चार दिन से पुलिस स्टेशन के चक्कर करे, SR नगर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर, धूप में दिन रात फिर रहे उन्हों, कोई भी कुछ बोल रहे नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बोल रहे उनको, हमको इंसाफ चाहिए, मेरे शौहर को कोई पूछने वाले नहीं, हमको मेरा आदमी करना तो हम खाने वाले हैं, किराए का ऑटो चलाते, अब तीन चार दिन से हमारी रोजी रोटी बंद है, कौन हमको पूछने वाले नहीं है, हमारे अम्मी ने भी गरीबा हैं, हमारे सास का इंतकाल हो गया, हमको कोई नहीं है पूछने वाले, मेरा आदमी करना तो हम जोर बच्चे हम खाने वाले, ओनर बोल रहे क्या करते कर लो जाओ, तुम ना ऐसे लड़ लेते फिरते ऐसी छः तुम ना भगा दिया मैं क्या करते तुम ना कर लो, देखता हूँ मैं करो तुम केस मैं उठा ले तुम बोल रहे, हमको मेरे आदमी को कुछ हुआ तो हम कहाँ जाना।
मेरे को गुजारिश है, हम आपको इंसाफ चाहिए। हम आपको वही पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे, वहाँ के पूरे पुलिस वाले बोल रहे कहते हैं नहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर लो क्या करते करके, वो बोल के बोल रहे मेरी गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे शौहर को, आपसे ACP साहब से, DCP साहब से, तेलंगाना हुकूमत से मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं अदबन गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे आदमी बहुत परेशान है, कर्जे बहुत हैं हमारे को, उसमें चुनो दिन रात मार पड़ते करते, अब ये टेंशन ना उल्टा ओनर भी साथ नहीं दे रहे, वो बच्चे का साथ दे रहे, भगा दिए मैं भगा दिया हुआ बोल रहे उन्हों, हम उनके घर में रहते हमारा साथ नहीं दे रहे, उनको साथ दे रहे, मेरे आदमी को भी भाया कोई भी आगे पीछे नहीं है, इन्हों एक ही है। मेरी गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए मेरे आदमी को, शौहर को, शुगर बहुत है उनको, मेरे को तबीयत बहुत, दो तीन बार चक्कर आके गिर गए, बेहोश होते जा रहे, कोई देखने वाले नहीं है हमको, मेरा आदमी कमाना तो हम खाने वाले, मैं भी कुछ नहीं घर में रहती, कुछ काम करने मेरे को भी पढ़ी लिखी वाली ना हूँ मैं, मेरे आदमी कुछ। हमारे HN News को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे वक्त पर।